अगर आपकी भी ब्लॉग पोस्ट गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स नहीं हो रही तो इस वीडियो को पूरा देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ब्लॉग पोस्ट गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स होगी। डज नॉट मैटर आप ब्लॉगर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, डज नॉट मैटर आप लोग यहाँ पे वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, आपकी ब्लॉग पोस्ट गूगल सर्च कंसोल में 101% इंडेक्स होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूंगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, चैनल पे पहली दफा आए हो तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक आ सके। इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर रहे हो तो यार मेक श्योर कर लेना कि बेल आइकन भी दबा रहे हो, अदरवाइज सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए यार बेल आइकन भी प्रेस करना अगर सब्सक्राइब कर रहे हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप लोग जल्दी से जल्दी अपने आर्टिकल को, अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करवा सकते हो। अगर आप लोगों ने अपने ब्लॉग को, अपनी पोस्ट को यहाँ पे गूगल में आके इंडेक्स किया और आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, इस तरह से आपको मिल रहा है URL इज नॉट ऑन गूगल, तो आप लोगों ने इस इशू को सोल्व कैसे करना है, उसके लिए आप लोगों ने अपनी सभी पोस्ट को ओपन कर लेना जो आपकी इंडेक्स नहीं हुई। देखिए पेजेस के अंदर आना और यहाँ पे आपको मिलती है जो जो पोस्ट आपकी इंडेक्स नहीं हुई, ये वाली हमारी यहाँ पे इंडेक्स नहीं हुई, देखिए डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स। अब इनको कैसे आप लोगों ने इंडेक्स करना है, इन पोस्ट को इंडेक्स करने के दो मेथड है, दोनों आपके साथ शेयर करने लगा परफेक्ट मेथड। यहां पे देखो इस वाले लिंक को मैंने कॉपी किया और यहां पे आ गया न्यू सर्च कंसोल के अंदर, न्यू पेज में आके मैंने यहां पे आके अपने लिंक को किया पेस्ट, पेस्ट करने के बाद एंटर के बटन पे प्रेस। अब लिंक देखो मेरे यहां पे आ गया और इन्होंने यहां पे बताया URL इज नॉट ऑन गूगल। अब इसको आपने इंडेक्स कैसे करना है, फर्स्ट मेथड बहुत इजी है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बटन पे प्रेस करना है और आपका यहां पे ये अपने आप इंडेक्स हो जाएगा, कितनी देर में, 24 घंटे में या 48 घंटे के अंदर अंदर ये इंडेक्स हो जाएगा। अब देखो यार यहाँ पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट चली गई है, ये 24 घंटे से 48 घंटे में गूगल पे आ जाएगा। तो अब दूसरा मेथड क्या है जिसके थ्रू आपका लिंक यहाँ पे गूगल पे इंडेक्स 101%, आपने यहाँ से लिंक को कॉपी करना है, ये वाला इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो मैं आ गया अपने ब्लॉगर के ऊपर, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप चाहे वर्डप्रेस पे हो चाहे ब्लॉगर पे हो, आपने यहाँ पे आ जाना, उससे रेलिवेंट आप लोगों ने अपना कोई आर्टिकल देखना है जो यहाँ पे उससे रेलिवेंट हो, मेरा ये वाला आर्टिकल रेलिवेंट है, मैंने इस वाले आर्टिकल का लिंक किया यहाँ से कॉपी जो कि इंडेक्स है पहले से गूगल के अंदर, यहाँ पे आकर पेस्ट करके आपको दिखा दूँ वाकई में ये आर्टिकल इंडेक्स है या नहीं। तो देखो इसने मुझे बता दिया URL इज ऑन गूगल, गूगल पे पहले से URL है यानी कि इंडेक्स है, इस आर्टिकल के अंदर एक वीडियो भी है वो भी इंडेक्स है और ये पेज भी इंडेक्स है। अब मैंने इस आर्टिकल के अंदर जाके इस वाले आर्टिकल को जो मैंने यहाँ पे URL कॉपी किया ये वाला, इस वाले आर्टिकल को मैंने ये जो पहले से ऑलरेडी इंडेक्स है इसके अंदर यूज करना है, वो कैसे करना है ये देखो, ये वाला आर्टिकल है मेरा इसके अंदर आ गया, मैं ये वाला इंडेक्स है जो उसके अंदर आया, इसके अंदर आने के बाद अब आपने उस आर्टिकल को कैसे इंडेक्स करवाना है उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके लिखना है, यहाँ पे आके एक स्पेस क्रिएट करनी है और यहाँ पे लिखना है रीड मोर। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस वेरिफिकेशन, एडसेंस की एड्रेस वेरिफिकेशन, इसको यहाँ पे हाईलाइट किया और यहाँ पे लिंक वाले बटन पे प्रेस किया इंसर्ट लिंक और यहाँ पे लाके पेस्ट किया और यहाँ पे ओपन दिस लिंक इन ए न्यू विंडो, अप्लाई के बटन पे प्रेस किया। अब यहाँ पे ये लिंक लग गया, इसको मैंने अपडेट कर दिया, किस पोस्ट को अपडेट किया जो पहले से गूगल की सर्च में इंडेक्स है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 24 hours या 48 hours के अंदर अंदर ये वाली जो हमारी पोस्ट है, ये वाली जो अभी इंडेक्स नहीं है, ये भी इंडेक्स हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों जितनी भी आपकी नॉन इंडेक्स पोस्ट है उन सभी को आप लोगों ने इस तरह से इंडेक्स करवाना है। अगर इस तरह की और टिप्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पर लाजमी प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आ सके। आई होप यार आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आपको ये ट्रिक भी 100% यूनिक लगा, तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई नई वीडियोस लेके आने के लिए। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस के लिए मेक श्योर कर लो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और इसके अलावा आप लोग अगर वर्डप्रेस का पेड ब्लॉगिंग कोर्स देखना चाहते हो और विद इन 1 month अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, यार वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, और अगर आप पेड ब्लॉग कोर्स बाय करना चाहो तो बाय भी कर सकते हो।